और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमपी में खाद की कालाबाजारी पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। खाद का अवैध परिवहन रोकने के लिए कड़ी निगरानी के निर्देश। अवैध परिवहन रोकने के लिए खाद मूवमेंट पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में फसल के नुकसान का आकलन होगा। राजस्व विभाग की टीम के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि वो किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कई कदम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए कई काम कर रहे हैं, कई कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे भी देखिए, क्योंकि कालाबाजारी को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई थी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। कालाबाजारी जो भी करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, दो टूक कहा था। और अब देखिए, यहाँ पे एनएसए लगाने की निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं कि आप एनएसए के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं जो भी कालाबाजारी करेगा। कुल मिलाकर किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ये प्राथमिकता है एमपी सरकार की। और ऐसे में देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है तो किसानों के लिए भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि देखिए जब भी खाद के लिए किसान कतार में लगे रहते हैं अल सुबह से लेकर शाम तक, उन्हें काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। कई बार कालाबाजारी के चलते उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। और ऐसे में देखिए, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। किसानों के हित में, किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। जो भी कालाबाजारी करेगा उनकी खैर नहीं है, एनएसए के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, बीते दिन मुख्यमंत्री के द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। दो टूक कहा था कि जो भी कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब देखिए, यहाँ पे एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन होगा। ये बिल्कुल खाद बीज वितरण को लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोबारा यह बैठक फिर से ली गई है और सभी कलेक्टर्स को यह साफ कहा गया है कि जो खाद की कालाबाजारी करने वाले कारोबारी हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से खाद का परिवहन करते हैं, उनके ऊपर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब खाद यानी कि उर्वरक की डिमांड बढ़ती है, ऐसे में कई असामाजिक तत्व इस तरीके के सक्रिय होते हैं जो खाद की कालाबाजारी करते हैं। नकली खाद भी बनाई जाती है, उनकी ब्रांडिंग भी की जाती है, उन्हें प्रमोट भी किया जाता है और ऐसे में किसानों को परेशान होना पड़ता है। कई बार नकली खाद तक उनके पास पहुंच जाती है और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए। यहां तक कि जो एनएसए के तहत कार्रवाई है, जो प्रावधान है, उस के तहत भी कार्रवाई की जाए, इसकी तरफ से भी जो सरकार की तरफ से निर्देश है वो दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में जो डीएपी की उपलब्धता है, उसके अलावा एनईपी और इसके साथ ही जो नैनो यूरिया है उसके इस्तेमाल पर जोर दिया जाए और इसके लिए बकायदा किसानों को समझाइश भी दी जाए ताकि वो इसका भी इस्तेमाल करें। और एक बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि जो फसलों की क्षति का आकलन किया जाता है, चाहे वो अति ओलावृष्टि से हो, पाले से हो, या फिर अधिक बारिश की वजह से जो फसलें खराब होती है, उसका जब अब राजस्व विभाग की टीम आकलन करेगी, उस आकलन के दौरान जो प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं, उस जिले के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी मौजूद रहना होगा, यानी कि मंत्री विधायक की मौजूदगी में क्षतिपूर्ति की आकलन की कार्रवाई राजस्व विभाग के अफसरों द्वारा की जाएगी। इससे किसानों को थोड़ी सी सहूलियत जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी इस बैठक में कहा है कि सभी जिले के प्रभारी मंत्री ये निगरानी करेंगे कि उनके जिले में खाद की उपलब्धता क्या है, खाद के भंडारण को लेकर भी निगरानी की जाएगी और एक जिले से दूसरे जिले में जो खाद का परिवहन है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। तो बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है किसानों के हित के लिए और किसान भी कहीं ना कहीं एक राहत महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ।